ना अपना टाइम आएगा। मायरा के सिम के पास पक्का मिलेगा कुछ ना कुछ। शाम को आए थे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो, क्योंकि आज है मम्मा पापा की एनिवर्सरी। कितने साल हो गए इस बार मम्मा पापा की शादी को? 10 साल हो गए एक दूसरे को झेलते हुए। झेलते हुए हुए हमें? हाँ, झेलते हुए हुए। देखो अभी पापा ने कह दिया। पापा ने तेरा साथ तो देना ही था ना। क्या करते पापा? तो आज मैं आप दोनों में से किसी एक को गिफ्ट दूंगी। क्यों? एनिवर्सरी तो दोनों की है, गिफ्ट एक को क्यों देगी? नहीं, मेरे साथ आप कौन कौन चले? अगर मैं आपको बोल दूं कि पापा और मैं प्लान कर रहे हैं तो फिर आपके लिए वो सरप्राइज नहीं है। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि मम्मा और मैं कुछ प्लान कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सरप्राइज नहीं है। बात तो सही है। तो फिर आपने किसके साथ प्लान किया और किसको सरप्राइज देना चाहते हो? देखो, मैंने पापा के साथ प्लान करा तो अभी मैं आपको गिफ्ट दूंगी। 10 साल हो गए हैं तो आपको 10 गिफ्ट मिलेंगे। वैसे भी 10 साल हो गए मुझे झेलते हुए, तो मुझे तो गिफ्ट मिल ही रहा है। इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या होगा, है ना? 10 मिलने वाले हैं मम्मा आपको। थैंक यू सो मच, आई एम सो एक्साइटेड कि स्मायरा मुझे क्या देती है गिफ्ट में, और वो भी 10 गिफ्ट्स। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो दे दो फिर गिफ्ट। ऐसे नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा? हम प्ले करेंगे गेम। गेम प्ले करेंगे? मतलब के एक चैलेंज? यस। कौन सा चैलेंज? ट्रेजर हंट। जैसे आपने मेरे बर्थडे पर गेम खिलवा कर मुझे गिफ्ट दिया था, वैसे मैं दूंगी। आसानी से थोड़ी ना देंगे। अच्छा, परेशान कर करके गिफ्ट दोगे, है ना? हाँ। लेकिन जितने गिफ्ट मैंने आपको बर्थडे पे अच्छे अच्छे दिए थे, मुझे उतने अच्छे गिफ्ट मिलेंगे? मिलेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, मैं रेडी हूँ इस चैलेंज को प्ले करने के लिए। और आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। पहला गिफ्ट मैं आपको आसानी से दे देती हूँ। दे पापा, निकालो गिफ्ट। पापा देंगे गिफ्ट? गिफ्ट तो आपने देना था ना? नहीं, मतलब परचेज तो पापा और मैं करते रहे हैं, लेकिन मैंने पापा को दिया था। ठीक है, दे दो। ये लो। ये क्या, लेटर भी है एक साथ में? पहले आप ये देखो। और ये इतना बड़ा गिफ्ट भी है। आवाज तो नहीं आ रही है, इसमें क्या होगा? ओपन कर लेते हैं। अभी ओपन कर ले या सारे गिफ्ट एक साथ ओपन करने हैं? अभी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, मुझसे भी वेट नहीं होगा, मैं तो साथ साथ ओपन करती जाऊंगी एक एक गिफ्ट। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये पैक किसने किया है? ओपन ही नहीं हो रहा है। ये मैंने करा है। हालत से तो पता चल ही रहा था कि स्मायरा ने पैक किया होगा। पर पापा ने भी हेल्प करी है उसकी। एक पैक में। इतना आप दौड़ोगे अब उसके बाद तो फिर आपको एनर्जी चाहिए ना। दौड़ूंगी कहाँ जाना है मुझे, रेस लगानी है, कोई कंपटीशन है क्या? देखते जाओ बस। ये आज कुछ करने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, खाना तो इसी ने है, इसलिए इसने पहला गिफ्ट यही दिया है। नहीं, आप खाओ। और मुझे लग रहा है कि बाकी के जो 9 गिफ्ट होंगे वो भी इसी तरह के होंगे कि मायरा के काम आ जाए बस। सिर्फ ये मेरे काम आएगा, उसके बाद एक चीज भी नहीं काम आएगी। इज इट? मेरे काम आएगी या नहीं आएगी? फिर ठीक है। और ये क्या है? ये पापा ने आपको सॉरी लेटर लिखा है। आई नो दिस इज स्मॉल गिफ्ट, डोंट वीप, जस्ट लुक वेयर यू स्लीप। मैं तो यहीं पे सोती हूँ। अब देख लो अच्छे से। कहाँ है? झूठ बोल रही है? है यहाँ पर, ढूंढो। साइड हो जाओ, एक पिलो और भी है। यहाँ तो कुछ नहीं है, चीटिंग कर रही है स्मायरा। वेयर यू स्लीप, बेड को उठाकर देखो, मतलब पूरा बेड उठा लो नीचे। बेड के नीचे आप रख ही नहीं सकते क्योंकि बेड नीचे से बंद है। नहीं, हमने उठाया था इसको इधर से या इधर से। तू तो उधर गई है, पक्का उधर ही होगा गिफ्ट। नहीं, उधर ही होगा, पक्का उधर होगा। मेरे को उधर ही आना पड़ेगा। गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला। पहले गिफ्ट ओपन करते हैं, उसके बाद देखेंगे स्लिप में क्या लिखा है। मुझे पता ही था ऐसा सब कुछ ही होगा। ये नेल पेंट है, कलर तो मस्त खरीदा है स्मायरा तुमने। किसकी चॉइस है ये, पापा की या आपकी? दोनों की। दोनों की। चलो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। आपको अब मिलेगा बहुत बड़ा तोहफा, चेक नियर द सोफा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वैसे देखो, जैसे आपने
बेड पर देखा था। अब सोफा उठाऊं? नहीं पूरा उठाना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं है कुछ, अब मैं इसको उठाऊं थोड़ी ना। मायरा बता दो प्लीज। और ये रहा, मिल गया फाइनली। मुझे पता ही था आप हर एक गिफ्ट वैसा ही लेकर आओगे जो आप यूज कर सको। स्वास्तिक कुमकुम। ये भगवान क्या जुलुम है। देखो कलरफुल बिंदियां। कितने सस्ते सस्ते गिफ्ट लेकर आए हैं ना ये। इसमें क्या है? लुकिंग फॉर क्लू इज फन, योर आई शुड नॉट बी ब्लिंक, योर नेक्स्ट गिफ्ट क्लोज टू माई सिंक। मेरे सिंक के पास? दोनों की सिंक के पास। मेरे सिंक के पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे कोई गिफ्ट छुपा सके। स्मायरा की सिंक के पास पक्का मिलेगा कुछ ना कुछ। चलो चलते हैं इसके रूम में। ये है स्मायरा की सिंक, आप सबने देखी ही है। और दिवाली की प्रेपरेशन देखो कितनी जल्दी हो गई है। स्मायरा ने पूरी लाइट्स वगैरह लगा रखी है अपने रूम में। तो दिवाली के बाद हम आपको स्मायरा का रूम टूर करवाएंगे। तो लाइट को थोड़ा कर देते हैं साइड पे और देखते हैं सिंक के पास क्या गिफ्ट मिलता है। सिंक सिंक, अरे सिंक खुलती भी है। खोलकर चेक करते हैं एक बार। देखो 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 देखो, गिफ्ट मिला मुझे, गिफ्ट मिला मुझे। पता क्या लग रहा है गिफ्ट देखकर? वो एल्पेन लिबे कैंडीज आती है ना, उसका पैक ऐसे होता है ना। पोलो भी होती है ऐसे। हाँ पोलो भी होती है सही में, लेकिन पोलो नहीं देगी स्मायरा मुझे। इसको पता है कि एल्पेन लिबे मम्मी खा लेती है। परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम है ना ये। अच्छा यार कहाँ से लेके आए हो ये सब? लिखा हुआ वहाँ पर जूडियो। अब गए कब थे इतना सब कुछ लेने के लिए? दिखाते हैं आपको, दिखाओ। फ्रेंड्स मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट था और मम्मा ने बोला बाहर जाकर सामान लेकर आओ, और देखो हम कहाँ आए हैं, स्टूडियो में। क्योंकि मम्मा पापा की एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा मम्मा को हम सरप्राइज देते हैं। पहले मैंने सोचा था पापा को भी सरप्राइज दूंगी, लेकिन अकेले तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, बाहर नहीं जा पाऊंगी। तो फिर मैंने अपनी टीम में पापा को शामिल कर लिया। स्कूल जब पापा मुझे लेने आते हैं मम्मा मेरे साथ होती है, तो फिर हम तब भी गिफ्ट नहीं ले सकते। तो मैंने सोचा मौका है, ले लो गिफ्ट। और इसने पापा को अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन पापा को गिफ्ट नहीं देने। क्या देने हो? कब देने? देने हो। अच्छा देने हो। चलो फिलहाल मम्मी के लिए कुछ लेते हैं, जैसे स्मायरा ने आप सभी को बताया। फ्रेंड्स मैंने इतनी सारी लिपस्टिक ट्राई कर ली, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। तो चलो कुछ और देखते हैं। हमने मम्मा के लिए स्टूडियो से गिफ्ट ले ली है। पापा मेरा मन कर रहा है मैं और गिफ्ट लूं। और कितने लेने हैं? कम से कम 20 तो होने चाहिए। पापा शाम को आए थे, देखो रात हो गई। अरे कोई नहीं, मम्मा को बोल देंगे मम्मा सामान नहीं मिला था, तो हम दूर चले गए थे। चलें घर पे, क्या कुछ खाना है? भूख लग रही है, पहले हम पेट पूजा करते हैं। चलो काम तो क्या करेंगे। चलो मम्मा ये व्लॉग में देखेगी। अभी हम आए पेट पूजा करने के लिए, मैं खाऊंगी बन्ने डोसा। बन्ने डोसा मम्मा व्लॉग देखेगी तो मम्मा बोलेगी तू खिलाया नहीं बन्ने डोसा। कोई बात नहीं, हम मम्मा को दोबारा ले आएंगे जब मम्मा ये वीडियो देखेगी। मेरा आपके लिए डोसा रेडी हो गया है। यम्मी डोसा। यम्मी लग रहा है मुझे तो। बहुत यम्मी है। ये बटर में बनता है, ये है पोटैटो और ये है चटनी। तो चलो खाते हैं। टेस्ट करके बताओ कैसा है। मम्मा आई मिस यू। आप खा लो। अच्छा तभी घर लेट पहुंचे थे, मुझे बोलते कि ट्रैफिक इतना जाम हम निकल ही नहीं पा रहे थे। और इतनी दया नहीं आई है कि मम्मी के लिए भी घर पे पैक करवा के ले चले। नहीं पता चल जाता। क्या पता चल जाता, वैसे बोलते ना मुझे भूख लग रही थी तो मैंने पापा को बोला मुझे डोसा खिला दो। नहीं वो अलग मजा आता है ना बाहर खाने का। विदाउट मम्मा, और वो भी फेवरेट मम्मा का। आगे से नजर रखनी पड़ेगी इन दोनों के ऊपर। चलो स्लिप में देखते हैं क्या लिखा है।
इट्स सर्टेन योर नेक्स्ट गिफ्ट इज नियर द कर्टेन। कर्टेन तो बहुत सारे हैं घर में, चेक करो। ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रही है, देखो हमारी ये लग गई है मुझे परेशान करने के लिए, और पापा को परेशान नहीं कर रही है इस तरीके से जैसे मुझे कर रही है। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद हम पापा को भी कर देंगे। पापा की बारी आएगी, मुझे गिफ्ट मिलेंगे। क्या दोगे गिफ्ट में? गाना, अपना टाइम आएगा। ये तो बड़ी आसानी से मिल गया गिफ्ट, और बड़ा गिफ्ट है, साथ में लेटर भी है। पहले लेटर दिखाते हैं आपको। You don't have to search very long and far. The next one is in our car. और कुछ आवाज आ रही है। ज्वेलरी, वाओ, ये तो स्माइला की चॉइस ही होगी पक्का। बहुत प्यारा है ये तो। कितने का आया ये? 150 रुपया। और क्या है इसके साथ? और ये टीका भी है देखो। अच्छे अच्छे गिफ्ट अब आएंगे शायद, मुझे लग रहा है। पहले मुझे थोड़ा डीमोटिवेट कर दिया इन्होंने, अब मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ। हाँ, अच्छे गिफ्ट आएंगे। अब कार की तरफ जाना है, उससे पहले ये देखिए एक गिफ्ट, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया है एनिवर्सरी गिफ्ट। और रात को वो हमारे घर डिनर पे आए थे, हमने एक साथ बैठ के डिनर किया, केक कट किया, लेकिन मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान हुआ कि हम डिनर करते हैं और हमारे नेबर्स भी आ गए थे, और सैटरडे था, आज संडे था। हमने रात को 3 बजे तक गपशप की, एक साथ डिनर किया, खूब मस्ती की, केक कट किया, और ये गिफ्ट उन्होंने हमें दिया है एनिवर्सरी स्पेशल। साथ में मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिपस्टिक दी है, इसका शेड बहुत प्यारा है, यही मैंने लगा रखी आज क्योंकि कल उसने मुझे गिफ्ट दी थी तो मैंने आज ये लगा ली। अब चलते हैं कार में। कार में कार रखा है गिफ्ट, जरा बता दो, इतनी बड़ी कार है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। डिग्गी खोलूं पहले या अंदर जाऊं? जैसे आपकी मर्जी। ये चुन्नू मुन्नू स्मारा के यहीं पर बैठे हुए हैं। स्मारा जब भी बाहर जाती है इनको इकट्ठा करके ले जाती है, पीछे बोर होती है नहीं तो अकेली। काम भी नहीं है। ये स्टोरेज बॉक्स रह गया, देख रहे हो? बहुत यूजफुल चीज, बहुत यूजफुल है। ये जो गिफ्ट है वो मम्मा के लिए है, लेकिन मम्मा मुझ पर यूज कर सकती है। अब तो पक्का ही करूंगी यूज, मुझे पता चल गया क्या है इसमें। चप्पल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ब्यूटीफुल चप्पल। गोल्डन कलर है या रोज गोल्ड है? ये रोज गोल्ड। स्लिप पे लिखा है इट्स वेरी नीट, लुक एट द प्लेस वेयर यू सिट टू ईट। अब ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, चलो चलते हैं। देख लो, है क्या, है क्या, अच्छे से दिखाओ YouTube फैमिली को, है क्या? अरे है क्या? नहीं है। फिर कहाँ है? फिर एरिया तो यही है। तो आप ढूंढो। जी लो, नहीं, दिस इज नॉट वेयर मायरा। परेशान कर रहे हैं यार, आज के दिन सेलिब्रेट करना था यार, परेशान करना था। परेशान वो देखो। मैं तो हाथ भी नहीं लगा। I got it. What is this? सुंदर है ना? नहीं। व्हाइट कलर, वाओ। गोल्डन चप्पल का कलर, वाओ वाओ वाओ। स्लिप चेक कर लेते हैं इसके ऊपर क्या लिखा है। यू आर प्लेइंग द गेम, लुक इन द प्लेस वेयर वी कीप अवर पिक्चर इन द फ्रेम। मतलब कि जहाँ पे फोटो फ्रेम है वहाँ जाना है। ये देखो हमारी शादी की फोटो, कितने क्यूट हुआ करते थे ना हम। क्यूट तो अभी भी है। कौन? बस उम्र का तकाजा हो गया। वो तो होता ही है, क्यूट है ना? वैसे सच में क्यूट है क्या? यूट्यूब फैमिली आप ही बताना। फैमिली फोटो तो यहाँ पे है इस फ्रेम के अंदर, और बहुत सारी फोटोज हैं। इसके पीछे गिफ्ट देखना, छिपकली ना हो। कॉकरोच, चूहा, नहीं कुछ नहीं है, गिफ्ट भी नहीं है। ये है हमारी फैमिली पिक्चर, और ये फ्रेम जो है वो मैंने घर पे बनाया था बहुत टाइम पहले। और इस बॉक्स के अंदर पता क्या आया था? वॉल क्लॉक।
और क्लॉक हमने यूज कर ली। ये कार्डबोर्ड को मैंने रैप कर दिया गिफ्ट रैप से, इसके ऊपर पेपर से कट करके फैमिली लिख दिया, थोड़ा सा ग्लिटर से डिजाइन बना दिया और इसके अंदर लगा दी फोटो। और ये पता कितना पुराना फ्रेम है, जितनी पुरानी स्मायरा की ये वाली फोटो है। चलो यूट्यूब फैमिली गेस आप करो कि स्मायरा की एज कितनी है इस फोटो में। यहाँ है गिफ्ट, ये क्या है, लिपस्टिक। कलर चेक करते हैं कौन सा है, लाइट ब्राउन कलर, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। हमें नहीं मालूम था कि आपकी फ्रेंड आपके लिए ये वाला गिफ्ट लेकर आएगी। आर यू फीलिंग सैड? यस आई एम फीलिंग सैड, क्योंकि आपने छोटे छोटे गिफ्ट दिए हैं, ओनली 3 गिफ्ट ही बड़े थे, फुटवियर, ज्वेलरी और एक क्या था टॉप व्हाइट कलर वाला, बाकी सारे गिफ्ट छोटे थे। जस्ट लुक वेयर आई कुक, स्मायरा कह रही है वेयर आई कुक, मतलब कि जहाँ पे स्मायरा कुक करती है। चलो स्मायरा की किचन में चलते हैं और गिफ्ट ढूंढते हैं, गर्मी लगने लग गई है भाग भाग के। फिर से आ गए हैं स्मायरा की किचन में, और आधी किचन में तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया था। इसके अंदर देखें, इसमें भी छुपा सकती है स्मायरा, नहीं इसमें कुछ नहीं है। मम्मा इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इससे छोटा गिफ्ट क्या दोगे मुझे, इतना छोटा गिफ्ट क्या दोगे जो इसके अंदर आ जाएगा। एक और बॉक्स है, ये भी खाली है। ये स्मायरा का गैस स्टोव है, आप सबने देखा हुआ है या नहीं, ये स्मायरा की किचन है और किचन का पूरा टूर हमारे फैमिली चैनल पर पोस्ट है, आप जाकर देखिए स्मायरा की किचन। ये हमने घर पे बनाई थी, ये सब चीजें घर पे बनाई हुई हैं। और ये सिंक रेडीमेड है, ये ड्रॉर्स वगैरह, ये शेल्फ जो है, ये माइक्रोवेव ओवन जो है, ये भी हमने सब घर पे रेडी किया है। आप जाकर इस वीडियो को देखिए, इसका ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी वहां पे पोस्ट है। और गैस स्टोव देखो कितना प्यारा है, 4 बर्नर्स वाला, मेरे पास 2 वाला, स्मायरा के पास 4 वाला है। देखो और देखो, गिफ्ट यहाँ रख दिया है ताकि ये जल जाए। ये क्या है, वाइप्स, नेल पॉलिश रिमूवर। स्मायरा ये आइडिया किसका था? मेरा। क्यों? मम्मा हमने आपको नेल पेंट दी है तो उसको रिमूव भी तो करना है। रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, रन एंड लुक नियर वन ऑफ योर शू। अब शू के अंदर गिफ्ट डाल दिया आपने। शू रैक के पास आकर मैंने सब जगह पे चेक कर लिया है और मुझे गिफ्ट तो मिलना ही क्या था, मुझे मेरे शू ही नहीं मिल रहे। स्मायरा ने बोला नियर योर शू, यहाँ पे तो स्मायरा के शू पड़े हुए हैं। देखो वहाँ पे कोई शू पड़े हैं क्या गेट के पास? यहाँ है स्मायरा के शू ब्लैक कलर के, लेकिन आपको इसके अंदर कोई गिफ्ट दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर कोई गिफ्ट होगा। ये क्या, अकेली स्लिप आई है, गिफ्ट अंदर रह गया क्या? गिफ्ट तो है ही नहीं। नाउ यू आर विनर, यू विल गेट 10th गिफ्ट आफ्टर डिनर। मेरा वैसे ये क्या लॉजिक है कि डिनर के बाद 10th गिफ्ट? मां अभी हम आपको लेकर चलेंगे डिनर के लिए। आज के दिन तो डिजर्व करते हैं ना हम बाहर जाके डिनर करना। यस है ना। और चलो एक काम करते हैं, मुझे ना गिफ्ट एक बार दिखा दो। no. नहीं तो मैं डिनर नहीं कर पाऊंगी। प्लीज पापा, कोई बात नहीं। दिखाओगे पक्का? नहीं नहीं ये तो चीटिंग है यार, मतलब इतना पेशेंस मैं कैसे रखूंगी। रुको जरा, सबर करो। तो ऐसे चले डिनर के लिए? नहीं आज रेडी होंगे हम, पूरा दिन तो ऐसे बिता दिया हमने सोच के। हाँ तो अभी तो रेडी हो सकते हैं ना हम। हाँ हम सब रेडी हो चुके हैं और मैंने ना फर्स्ट क्राई वाली ड्रेस पहनी है जो मम्मा पापा ने मेरे लिए ऑर्डर करी थी, तो मैंने सोचा अच्छा दिन है पहन लो, मौका आया है क्योंकि मम्मा पापा ने भी तो नई ड्रेस पहनी है, हम क्यों पीछे रहे। हाँ सही बात है, स्मायरा को नई ड्रेस ऑलरेडी मिल गई है, ये क्यों पीछे रहे। हम रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं खाना खाने के लिए, चलो चलते हैं, बहुत टेस्टी खाना है। खाना यहाँ का स्मायरा को पसंद था और आते ही ना स्मायरा के पापा ने अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या ऑर्डर किया है। दही पूरी साथ में स्वीट लस्सी, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ वैसे स्मायरा? ये पापा ने खुद कॉम्बिनेशन बनाया है। क्योंकि पापा को ये दोनों चीजें बहुत ही पसंद है, तो चलो सबसे पहले हम पापा को ही खिलाते हैं क्योंकि पापा की है आज एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। डिनर भी आ गया है। ओह वाओ, अमृतसरी कुलचा साथ में चने, ग्रीन चटनी, ये सैलेड। और स्मायरा ने अपने लिए क्या ऑर्डर किया है? मील ऑर्डर की है क्योंकि स्मायरा का मानना है कि एक सब्जी एक दाल से कुछ नहीं होता है, वैरायटीज होनी चाहिए। तो इसमें है जीरा आलू, कढ़ी पकौड़ा, दही, राजमा, चावल, सैलेड, पिकल, गुलाब जामुन, दाल भी है और ये तंदूरी रोटी भी है। वाह स्मायरा, डिनर तो आपका है। लस्सी पापा और मैं शेयर करने वाले हैं। अच्छा, और मैं कहाँ जाऊँगी?
आप पानी पियोगे? ठंडा ठंडा पानी पियूंगी ना मैं। Yes. हम घर पर पहुंच चुके हैं और अभी बारी आई है केक कट करने की। और सारा दिन बिता दिया समायरा ने, अभी रास्ते में से केक लेकर आई है। बोलती है कि खाने के बाद कुछ मीठा भी हो जाएगा और आपकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो अभी हम केक कट करने जा रहे हैं। समायरा कैमरे में केक दिखाओ तो यूट्यूब फैमिली को। ये देखो ब्लूबेरी फ्लेवर है। तो हैप्पी 10 इयर्स। थैंक यू, विशिंग यू सेम। सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सक्सेसफुली झेलते हुए। तो मम्मा ये रहा आपका लास्ट गिफ्ट, तो गेस करो इसमें क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इसमें वॉल डेकोर का कोई आइटम है। नहीं, मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे रही हूँ, वो आप यूज कर सकते हो, पापा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्या हो सकता है कि समायरा ने इस तरह का कोई गिफ्ट चूज कर लिया जो इसके काम ही ना आए। ये पहले अपना फायदा सोचती है हमेशा, इसने मम्मी पापा का फायदा कैसे सोच लिया। एनिवर्सरी आपकी है तो मैंने सोचा दोनों का गिफ्ट एक ही में कंबाइन कर लेते हैं। कर ले चेक। कर लो। पहली बार समायरा ने एकदम परफेक्ट गिफ्ट चुना है आपके लिए। मैंने बोला था ना पापा यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तो यूज करना सिखाऊंगी मैं। वाओ, 4 बर्नर वाला। गैस स्टोव गिफ्ट मिला है मुझे एनिवर्सरी पे, मतलब कि पूरा साल खाना बनाते रहो। बहुत ही प्यारा है और मुझे इसकी नीड थी। मैं लास्ट दिवाली से समायरा के पापा को बोल रही थी कि मुझे 3 बर्नर वाला गैस स्टोव ले दो, क्योंकि 2 वाला हमारे पास है। सुबह सुबह समायरा के लिए लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और समायरा के पापा की चाय, ये सब बनाना पड़ता है। तो वो 2 फ्री होते नहीं है, 2 काम फिर से रेडी हो जाते हैं, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये बोल रहे थे कोई ना ले लेंगे, तो फाइनली 3 वाला नहीं 4 वाला मिल गया। तो चारों खाने इकट्ठे बन जाएंगे इस पे, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा चाय का, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट का। तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच समायरा, वेलकम, यू मेड माई डे। बट व्हाट अबाउट पापा? पापा को तो एक भी गिफ्ट नहीं दिया इसने आज, एक तो एटलीस्ट दे देती है एनिवर्सरी का। अरे मम्मा खुश तो मैं खुश। आपको देना चाहिए, मैं दूं पापा को गिफ्ट? ठीक है, तो YouTube फैमिली सजेस्ट करे कि हमें एक चैलेंज प्ले करना चाहिए पापा के साथ। तो डेफिनेटली हम फिर वो वाला ब्लॉग लेकर आएंगे जिसमें सारे गिफ्ट समायरा के पापा को ही मिलेंगे। ठीक है समायरा, फिर उस टीम में आप मेरे साथ आ जाना। तो ये था हमारा ट्रेजर हंट चैलेंज आप सबके साथ, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा कि भी मुझे गिफ्ट मिले। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।